साथ विज्ञान पार्ट नंबर 2 चल रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, स्तंभ क और ख का मिलन करना है। क में दिया है एपॉइंट, अभिमार्जक, कुगुन, याक, शहतूत की पत्तियां, रीलिंग। ख में है रेशम कीट का भोजन है, रेशम के रेशे का संसाधन, रेशम के रेशे उत्पन्न करता है एंड ऊन देने वाला जंतु, और काटी गई ऊन की सफाई। अब देखिएगा, शहतूत की पत्तियां होती हैं रेशम कीट का भोजन, ये मिलान हो गया। कोकून क्या होता है? कोकून याक होता है, ऊन देने वाला जंतु, ये हो जाए। कोकून होता है रेशम के रेशे उत्पन्न करता है, रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। उसके बाद बचता है रीलिंग। रीलिंग है रेशम के रेशे का संसाधन, और काटी गई उनकी सफाई अभिमार्जक कहलाता है, और एक बचता है रीलिंग। रीलिंग बचेगा इससे, बे से, डे का बे, यानी कि ये सब दिख रहा है। रीलिंग यानी कि रेशम के रेशे का संसाधन है, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, मिलान कर लेंगे अपनी नोटबुक में। अभिमार्जक, अभिमार्जक का देय, काटी गई उनकी सफाई। कोकून, कोकून रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। याक, याक है ऊन देने वाला जंतु। एंड शहतूत की पत्तियां हैं रेशम कीट का भोजन। एंड रीलिंग है रेशम के रेशे का संसाधन।